कृष्णा और मैं कुंजबिहारी पांडे। आज हम आए छाता में जहाँ पे कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए सरकार द्वारा जो जमीन चिन्हित की गई है उसको आज प्रशासन द्वारा खाली कराया जा रहा है। जानते हैं यहाँ पे जो कि ग्रामीण इकट्ठे हैं कि वो क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे खाली कराया जा रहा है, किन किन लोगों ने ज़मीन गिर रखी है, यहाँ पे के प्रशासन को पुलिस बल के द्वारा इसको खाली कराना पड़ रहा है। जी क्या नाम है आपका? रामकृष्ण। क्या समस्या है जो आप इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है, ये जेसीबी चल रही है? सर हमारा एक शमशान है, सदियों से शमशान है, इस शमशान के आधार पर जमीन ले रही है। जी क्या आपका शमशान रजिस्टर्ड है या वैसे ही आपने सरकारी जमीन पर बना रखा है? सरकारी जमीन बना रखा, रजिस्टर्ड नहीं है हमारा जी। बाकी और भी शमशान है आसपास में, वो सब रजिस्टर्ड है? वो सब रजिस्टर्ड होंगे सर, उन्होंने पक्के किए हैं। तो जो आज प्रशासन द्वारा जो चलाया जा रहा है अभियान, ये सब जगह खाली करी जा रही है, बाउंड्री वगैरह हो रही है, ये किन किन लोगों ने कर रखी है? ये सब कुछ हम जाटों की भी है, जाटों की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान दास है। रहने वाले छाता कहीं है? क्या समस्या है जो आप इतनी भीड़ हो रही है? हमारी बाप दादिन की गिरी भाई है जी, हमको प्लॉट मिला इनके, उनसे इन्होंने जो काटे जो ग्राम समाज मंजूर कराई प्रधान से जी, उसमें आज ये है ले रहे हैं जबरदस्ती, क्योंकि जाटों की जगह दिख रही है, दो तीन जाटों की जगह आ रही है, इसी में ये दे रहे हैं उधर से, ये पैसा देला ले आए हैं उधर को जो मंजूर हुई थी। यानी कि ये सरकार पक्षपात कर रही है, प्रशासन पक्षपात कर रहा है? प्रशासन पक्षपात कर रहा है, जाटों की जमीन घेरी जा रही है, जो ली जा रही है, जो उधर को ये कहा ये पैसा ले आए हैं, जो जाधव अम्बेडकर के पीछे जो हाँ कोई प्रोग्राम नहीं, ऐसे तरह से नहीं खाली कराया जा रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा है वो वहाँ पे, लेकिन वहाँ आदमी है, चेयरमैन का आदमी है, इसलिए काबू नहीं है, काम बनाया जा रहा है। टीम आई थी उन्होंने, मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार की जनता को दिखाएं जो कि हाइड्रा वगैरह ये जेसीबी चल रही है इसको दिखाएं, और आगे जाकर देखते हैं कि आगे अधिकारी वगैरह आए उनसे भी बात करते हैं कि ये जो जमीन खाली की जा रही है ये क्यों करी जा रही है, क्या प्रोग्राम होगा यहाँ पे, क्या क्या चीज बनाई जाएंगी, कैसे आइए मैं जानते हैं। सर ये जो आज आपकी हाईवा चलाई जा रही है जेसीबी, क्या किस लिए चलाई जा रही है, किस लिए खाली किया जा रहा है? ये नमाम गंगा के प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है एसटीपी का निर्माण होना है यहाँ पे, इसके लिए तहसील से जो है जमीन उपलब्ध कराई गई थी, और निर्माण कार्य स्टार्ट हो रहा है तो कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, तो इसलिए प्रशासन की मदद से जो है उसको हटा रहे हम लोग। क्या ये जमीन सरकारी है या इन लोगों की दादा लाई है, कैसे है जमीन का क्या है? नहीं ये सरकारी जमीन है, तहसील स्तर तहसील से जो है हमें प्राप्त हुई है, और यहाँ पे तहसील की टीम भी आई हुई है, पुलिस प्रशासन सब कुछ है यहाँ पे। अब इस जगह को खाली करा करके क्या बनाया जाएगा, क्या यहाँ पे क्या सुविधा दी जाएगी ग्रामीणों को? यहाँ पे जो है नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंदर जो है उसके अंदर एसटीपी का निर्माण होना है यहाँ पे जी, यानी कि ये जो गंदे नाले का पानी है उसको यहाँ पे दिया जाएगा, उस तरीके से शुद्धिकरण किया जाएगा। हाँ जो नगर पंचायत और जो आसपास के क्षेत्र का जो गंदा पानी है उसको जो है साफ किया जाएगा, ताकि उसको दोबारा यूज कर सके पानी को। और भी यहाँ पे कुछ अधिकारी वगैरह आए हुए हैं जी। सर आप बताएं, आप ये नमामि गंगे से हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? हिमांशु शेखर। कौन से अधिकारी हैं आप? हम जल निगम से जेई हैं। जी साहब ये बताएं, जो आप ये जमीन खाली की जा रही है यहाँ पर काफी विरोध भी कर रहे हैं कुछ लोग, क्यों विरोध हो रहा है और क्या आप यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं? जमीन के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, जो मुझे अलॉट किया गया है जमीन ये 2022 में माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये आवंटित किया गया है 1209 रकबे में, ये जमीन जो 750 वर्ग मीटर है जी, जो MPSC बनाने के लिए दी गई है हमें, हम उसी के एवज में हमने डिमार्केशन लेखपाल महोदय की उपस्थिति में करवाया है, जिस पर लोगों की कुछ अवैध कब्जे भी हैं, जिसे आप सबकी उपस्थिति में हटवाया जा रहा है। अब आपका यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट तैयार होगा और कितने समय में पूरा तैयार होगा? ये नमामि गंगे योजना के अंतर्गत जो है नदियों में जो अनटैप्ड नाले हैं जो गिर रहे हैं डायरेक्ट, उनको हम लोग टैप करके उनका शोधन करेंगे, और शोधन करने के पश्चात पुनः नदी में गिरा देंगे। अच्छा, यानी कि आप नमामि गंगे की जो योजना चल रही है उसी के आधार पर ये जमीन खाली करा के वो प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है? जी जी। उससे जनता के लिए क्या फ़ायदा होगा? जनता को ये फायदा होगा कि भाई जो नाले में दूषित पानी जा रहा है तो उससे निजात मिलेगा, और एक अच्छा एक वातावरण भी पर्याप्त और स्वस्थ वातावरण में जीने का लोगों को मिलेगा अवसर। ये देखिए ये थे हमारे जल निगम से जेई साहब, जिन्होंने बताया कि जो नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है वो ये गंदे नाले में गंदगी जो आती है उसको शुद्ध करके यहाँ पे प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, जिससे कि जनता के लिए बड़ी सहूलियत मिलेगी और ये गंदगी से भी इन्हें राहत मिलेगी। इसी के साथ मैं कुंजबिहारी पांडे छाता।